देख रहे हो पावागढ़ का माहौल, झरना क्या बेहतरीन लग रहा है। हो ये लो मारा मैंने जूम, देखो अब देख रहे हो। हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके भाउस। सो गाइस इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज अपन फाइनली पावागढ़ पहुंच गए और ये रहा एंट्री गेट। सो गाइस आज अपन ब्लॉगिंग कम करने वाले हैं तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपन व्यू ही दिखाएंगे आपको, ठीक। तो लेट्स इंजॉय। चलो 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 निकलो, मैं सामने से नहीं देखा हूँ। सबसे पहले पावागढ़ का ये फर्स्ट स्टेशन, यहाँ से आपको बैठना पड़ता है बस, क्योंकि बहुत ऊपर में है तो आधी दूर तक तो बस ही लेके जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। और अभी हम आ चुके हैं गाइस, आधी पहाड़ तो बस वाले ने लेके आ गया है। देख रहे हो गाइस नीचे का माहौल, मतलब क्या ही बोलूँ भाई। और सड़क का तो छोड़ ही दो, रोड ऐसी है भाई, पूरे मोड़ ही मोड़ है। वो तो बस वाला ही जानता है कि बस वाला कैसे चलाता है, बाकी कुछ नहीं, मज़ा आता है भाई, है ना। हाँ बस थोड़ा डर लगता है पर क्या करे। देख रहे हो ये नीचे का माहौल, और अभी हम यहाँ से चढ़ने वाले हैं 18 से 2000 सीढ़ियाँ, ठीक है। तो और ये अपनी बाकी टीम, ठीक है गाइस, ये आ रहे हैं सभी लोग। यहाँ से अपने को उतर के सीढ़ी चढ़ना पड़ता है ऊपर माता के दर्शन के लिए। और मास्टर हो गया ना अभी दे रहा है। तो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं, और अभी ये सामने जो दिख रहा है एंट्री गेट है, मतलब यहाँ से गाइस 1800 से 2000 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। और इसमें गेट के ऊपर लिखा है 40 मिनट में 1800 सीढ़ी, पता नहीं है भाई कौन चढ़ पाता है ना। नवीन भैया आज तो 10-15 किलो कम हो राजू आय हाय इतना सुकून। चलो पैतालीस मिनट में 1800 सीढ़ी, कौन चढ़ेगा दौड़ते हुए। हाँ 45 मिनट में 1800 सीढ़ी, मजा ले कोई चढ़े दौड़ते हुए, वो भी दौड़ते चले, चलते तो चढ़ नहीं सकता है ना। 45 मिनट भाई,
मतलब एक ही घंटा समझ लो, 15 मिनट ही कम है ना। इतना खतरनाक माहौल, बाप रे बाप, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। सांस के साथ पता नहीं और क्या क्या फूल गया भाई, सांस के साथ पता नहीं क्या क्या फूल गया। ए राजू आ गया, देख अब माहौल अब थोड़ा सही लग रहा ना। पावागढ़ का जादू, क्या बोलते जादू। ओ भाई साहब खतरनाक, और कितना ऊपर है रे, कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक। देख बाली तो गीले हुए हैं, फोटो तो लेते अपने ऐसे। हाँ लेते ना, लेना तो मस्त लगता रे भाई। मेरे फोन में तो कब का हुआ, कुछ भी नहीं दिख रहा। भाई बाकी ये बताओ, इतने दूर आने से और फिर जब सीढ़ी ना चढ़ो तुम, तो फिर मतलब क्या है आने से, नहीं क्या? मेरा कहना मतलब ये है भाई, इतनी दूर जब आए हो थोड़ी मेहनत भी कर लो क्या, है ना? इनको इतने पर कौन चढ़ाता है? अरे वो खुद ही चाहते। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। नहीं भाई, बिना बिना मतलब के लोग स्वर्ग स्वर्ग करते हैं भाई, असली स्वर्ग तो ये है वे पगले, क्या वो भी धरती पे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। दिख रहा क्या कुछ तेरे को आगे? कुछ भी नहीं। माहौल भाई माहौल, एक तरफा पापा पापा पा, ठंडी ठंडी हवा चली, लेकिन कुछ अगर एक बार नीचे आदमी चले गया। ओ भाई साहब, अरे ये वो उस टाइप लग रहा ना, मतलब वो अपना दुआ ने ब्रिज वो रहता रहे सी पे पानी का जहाज जहाज। हाँ हाँ वही वही पानी पानी जब उड़ता ना सेम, हाँ सेम वैसी लगता है ये देख। ओ भाई साहब, ये हम भी है, हम भी ये दिख रहा क्या कुछ? ओ भाई साहब, ये है एक और एंट्री गेट। बप्पर शेर, बस बस बस, दिख रहा क्या कुछ तेरे को आगे? कच्चे कुछ भी नहीं। माहौल भाई माहौल,
एक तरफ। इसको कहते हैं माँ। ओ भाई साहब, अरे ये वो उस टाइप लग रहा है ना, मतलब वो अपना हम भी ये दिख रहा क्या कुछ। ओ भाई साहब, ये है एक और एंट्री गेट। ओ भाई मंदिर है। चलेंगे अंदर। तो वीडियो बनाते ही जाऊंगा। आरती खत्म हुई 6:30 तक रहती है। चल इधर चलते हैं, इधर से देखते हैं। लिया मैंने सब। जय माता दी जय माता दी।
अबे इतनी वीडियो को मैं तो बनाते बनाते पूरा थक जाऊंगा। हो गया। इतना बड़ा ही तो लगा मंदिर के ऊपर। हाँ ओए वाह, रोड तो एक तरफा दिख रहा है। हो संडी पहाड़ का जगह यार, डोंगरगढ़ भी वो ऊंचा वो छोटा है डोंगरगढ़ अपना। ये इसको भी देखना, 128 नंबर डब्बा चार लोग जाते हैं। चालू है मेरा 101 में आया चार लोग।